वक्त की टीम इंडिया से जुड़ी हुई। टीम इंडिया सिडनी में जहां प्रैक्टिस के लिए पहुंची हुई है, यहीं पर मुकाबला होना है। सिडनी में खिलाड़ियों को खराब नाश्ता दिया गया, इसको लेकर नाराजगी टीम इंडिया ने जाहिर की है। प्रैक्टिस सेशन में ठंडा खाना दे दिया गया, वो भी खराब खाना था, टीम इंडिया के अनुकूल नहीं था। इसको लेकर आईसीसी से शिकायत टीम इंडिया ने की है। होटल से 42 किलोमीटर दूर है प्रैक्टिस वेन्यू, इसको लेकर भी टीम इंडिया नाराज नजर आई। टीम इंडिया की तरफ से पहले खराब नाश्ते को लेकर शिकायत की गई, फिर प्रैक्टिस ग्राउंड बहुत ज्यादा दूर है, इसको लेकर भी शिकायत टीम इंडिया ने की है। पिछले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से शिकस्त दी। अगले मुकाबले की तैयारी है, जहां मुकाबला न्यूजीलैंड से होना है। ऐसे में सिडनी में टीम इंडिया है, बाकी टीम भी प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन यहां टीम इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर आप जान लीजिए। टीम इंडिया जहां बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अगले मैच की तैयारी कर रही है, ऐसे में प्रैक्टिस वेन्यू को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है टीम इंडिया की तरफ से। टीम इंडिया कह रही है कि 42 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस सेशन के लिए अगर हम जाएंगे तो फिर समझिए कि प्रैक्टिस के लिए वक्त कितना बचेगा। इसके अलावा जो नाश्ता दिया गया टीम इंडिया को वो ठंडा था। ऑस्ट्रेलिया ठंडे मौसम के लिए भी जाना जाता है, वहां के लिए ये खाना नॉर्मल है, लेकिन टीम इंडिया, चूंकि हम भारतीय हैं, टीम इंडिया को ये खाना रास नहीं आया, ये नाश्ता पसंद नहीं आया और टीम इंडिया ने आईसीसी से इसकी शिकायत की है।